सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये गला बनाने के लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये कमीज को पहले हटा के रखते हैं। अब इसमें हमें गले की ब्रॉडिंग और डीप का निशान लगाना है। तो बुकरम हमने लिया हुआ है, 10.5 इंच लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो हमें सबसे पहले ब्रॉडिंग का निशान लगाना है, जो ब्रॉडिंग है 6 इंच। तो हमने बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर रखा है, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में हमें गले की डीप का नाप निशान लगाना है। तो डीप दोस्तों हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 9 इंच गला डीप है, 1/2 इंच कंधी का दबाव होता है। तो तैयार आएगा 9 इंच गला। अब यहाँ पे नीचे भी हमें 3 इंच पे ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें सीधा खींच देना है। अब इसके बाद में हमें ये निशान को भी सीधा खींचना है। अब इसमें हम गले की शेप देंगे, जो ये राउंड गले का शेप होगी इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पे 1/4 इंच बुकरम चौड़ाई लेना है। पहले हमें बाहर के निशान से कटिंग करना है। तो हमने बुकरम एक और अलग से लिए। अब ये जो बीच का पैटर्न बचा हुआ है, तो हमें यहाँ से इसमें निशान लगाना है बिल्कुल इसी के बराबर से। अब ये बुकरम को हमें हटा देना है। हम यहाँ से पहले ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी शेप देंगे थोड़ा सा राउंड ऊपर की तरफ इस तरह से। अब इसमें हम 1/4 इंच चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। ये यहाँ से इस तरह से, और इसके बाद में हमें पूरा राउंड अलग से निशान लगाना है 1/4 इंच का। जो हमने निशान लगा दिया, अब इसके बाद में हमें यहाँ से इस तरह से राउंड निशान लगाना है। तो ये निशान को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे, क्योंकि ये दबाव भी हमें देना होगा, तो 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा कटिंग कर लें। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो देखिए, कुछ पैटर्न हमारे इस तरह से कटे हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह से कपड़ा कटिंग कर लेंगे और इन्हें हमें कपड़ों में अटैच कर लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है।
तो दोस्तों हमने पाइपिंग का कपड़ा ले लिया है, अब इसमें हमें और एक कपड़ा कटिंग करना है इस तरह से जो खिंचाव हो कपड़े में। तो हम पहले स्केल से निशान लगा लेते हैं। तो इसमें क्या है कि लंबी पाइपिंग निकल जाएगी और एब में कटिंग करते हैं तो, और पाइपिंग भी और एब कपड़े में ही अच्छी निकलती है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, अभी हमें 1.25 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। ये दोस्तों स्केल 1.25 इंच का होता है, तो आप इसी के बराबर से ही कटिंग कर लें। इस तरह से निशान लगा लें आप। तो हम सबसे पहले पैटर्न जो हमारा छोटा वाला पैटर्न है, तो हमें क्या करना है कि हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और ये एक गले के किनारे से बिल्कुल सिलाई लगा के हमें इसे पलट देना है। तो दोस्तों इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के हमें ये जो छोटा पैटर्न है हमारा गोल गले का, तो इसे हमें यहाँ बुकरम के किनारे से सिलाई लगा के हमें इसे पलट लेना है। एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पे हम लगा देंगे कट। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है बिल्कुल बुकरम के बराबर से, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है पाइपिंग, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने इस तरह से पैटर्न तैयार कर लिया। अब हमें ऊपर भी पाइपिंग लगा देना है और नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा देना है। तो पाइपिंग वाले कपड़े को हमें एक तरफ इस तरह से पहले फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब ये जो सीधा कपड़ा है हमारा, सीधा हम पाइपिंग के इस तरह से रखेंगे और जितनी चौड़ा जितनी मोटी पाइपिंग हमें निकालना है उसी हिसाब से हमें दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। पाइपिंग को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके बिल्कुल पाइपिंग के जड़ से सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग ऊपर लगा लिया, अब इसी तरह से हमें नीचे भी पाइपिंग लगा लेना है। तो इस तरह से हमने नीचे भी पाइपिंग जोड़ लिया है, अब इसे भी हमें इस तरह से पलट के और सिलाई पाइपिंग के बिल्कुल जड़ से लगा देना है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया है, इधर भी हमारी फिनिशिंग से बैठी हुई है पर सीधा हमारा ये है। अब इसी तरह से हमें इन दोनों पैटर्न में भी पाइपिंग लगा लेना है, लेकिन हम इन पे पहले कपड़ा अटैच करेंगे दोनों तरफ और उसके बाद में हमें पाइपिंग लगानी है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो दोस्तों हमें इस तरह से कपड़ा रखना है और ये जो हमने पैटर्न कटिंग किया, तो ये बुकरम को हमें इस तरह से ढकना है। तो हम इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेते हैं पहले। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरा पैटर्न भी अटैच कर लेना, दोनों तरफ की बुकरम हमें ढक देना है। तो दोनों पैटर्न में हमने अटैच कर लिया कपड़े को, अब हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाइपिंग लगा देना है।
तो पाइपिंग को हम इस तरह से रखेंगे और जितनी चौड़ी पाइपिंग लगानी है उसी हिसाब से हमें दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। अब इसी तरह से नीचे भी लगा लेना है पाइपिंग। तो हमने इस तरह से पाइपिंग लगा लिया दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसी तरह से हमें दूसरे पैटर्न में भी पाइपिंग लगा लेना है ऊपर और नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमने दोनों पैटर्न में पाइपिंग लगा लिया है। अभी जो हमारा गला है तो हम पहले बाहर की तरफ पाइपिंग लगा लेंगे। दोस्तों इसमें हमें फोल्ड नहीं करना है कपड़ा, हम इसे इसी तरह से रखेंगे और जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालनी है उस हिसाब से हमें दबाव देना है। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बाहर की तरफ लगा लिया है। अभी हमें गला अंदर से रख के बाहर को पलटना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सीधा कपड़ा है हमारा और ये उल्टा है, तो उल्टे की तरफ से हम गले को जमाएंगे और बाहर की तरफ पलटेंगे। इस तरह से रखना है हमें और बुकरम के किनारे से सिलाई लगाते हुए इसे हम पहले अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया। अब एक पैर का दबाव रख के कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना जहाँ पे राउंड है। तो इस तरह से फोल्ड करके हम बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने गले को पलट लिया है। अब हमें यहाँ पे भी पाइपिंग लगा देना है। ये दोस्तों जिधर हमने पाइपिंग को फोल्ड किया है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर से हमें गले को रखना है और जितनी मोटी पाइपिंग आपको निकालना है उस हिसाब से आप सिलाई लगा के पाइपिंग के कपड़े को अटैच कर लें। अब इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है। इस तरह से आप इसे फोल्ड करें पहले और यहाँ से मिलाते हुए आप इसका इस तरह से 20 सेंटर बना लें। और इन दोनों पैटर्न के बीच में हमें थोड़ी सी गैपिंग रखनी है और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है।
तो हमने पेंच को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब ये दोस्तों इस तरह से रखना है हमें, और इसे हम रखेंगे गले के बराबर से, और हम सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद में हम इस पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा एक तरफ का गला अटैच हो चुका है। अब हमें सबसे पहले दूसरी तरफ का गला भी अटैच कर लेना है, उसके बाद में हम ये पैटर्न सेट करेंगे। तो हमें गले को इस तरह से रख के पहले सेट कर लेना है। हम पहले इधर की सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद में इधर की सिलाई लगाएंगे। अब हमें इधर भी सिलाई लगा देना है। तो हमने ऊपर से गले को अटैच कर लिया है। अब ये जो नीचे के पैटर्न है इन्हें हमें अटैच करना है। तो आप इन्हें पहले अच्छी तरह से इनकी गैपिंग को नाप लें और बराबर रख के हम पहले एक साइड का पैटर्न सेट करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी साइड का भी सेट करेंगे। आप सिलाई पहले यहाँ पे पक्की लगा दें। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया है, और हमें यहाँ पे इस तरह से ये जो 20 सेंटर है गले का, हमें यहाँ से नाप लेना है कि इसकी गैपिंग कितनी दूर है। फिर उसके बाद में हमें इधर की भी गैपिंग उतने ही रखना है। तो हम इस तरह से नापेंगे, ये दोस्तों 3 इंच आ रहा है पूरा। अब इसे भी हमें 3 इंच पर ही लगाना है। हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये 3 इंच पे रख के सिलाई लगा देना है। डोरी बना लेनी है। तो हमें सेम कपड़े की डोरी बनानी है, तो हमें इसी तरह से 1 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है, लेकिन और एक कटिंग करेंगे। अब दोस्तों 1 इंच से कम ना कटिंग करें, 1.25 इंच 1.5 इंच तक कटिंग कर सकते हैं। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। दोस्तों डोरी बनाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, डोरी से हमें आसानी से पलट जाती है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट में आप थोड़ा सा ज़्यादा दबाव दें, आसानी से शुरू में डोरी पलटी जाती है। और यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमें लेना है मशीन की सुई या फिर बड़ी वाली सुई, और यहाँ पे धागा इस तरह से हम डाल के यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। और गांठ लगाने के बाद में हम इस कपड़े को इस तरह से फंसाएंगे, और धागों के बीच से हमें सुई निकाल लेना है। तो दोस्तों हमने डोरी बनाने का वीडियो हमने पहले डाल रखा है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हमें स्ट्रेट कपड़े में पहले इस तरह से पट्टी कटिंग कर लेना है, 1 इंची चौड़ी पट्टी। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों 1.25 इंच की पट्टी हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो हमने 6 पट्टी कटिंग कर लिया है। अभी हमें सिलाई से पैटर्न में अटैच करना है। तो इस तरह से हमने 3 लुप्पी लगा लिया इस साइड में, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लगाना है।
इसकी हमें गैपिंग नाप लेना है 2.25 इंच, उसी के बराबर से रखना है। अब ये जो हमने डोरी बना रखी है, हमें इस पर अंदर से डाल के फंसा देनी है। तो हम लुप्पी को इस तरह से कर लेंगे और इसके बीच से हमें इस तरह से निकाल लेना है। ऊपर वाली डोरी पे हम इस तरह से निकालेंगे और इसके बाद में हमें डोरियों को इधर की उधर, उधर की इधर करके निकालना है। अब ये वाली डोरी को हम इधर से निकालेंगे। इस तरह से, और इधर वाली डोरी को उधर से निकालना है। इस तरह से हमें दो कपड़े कटिंग कर लेना है, इसकी लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी। और हमें इस कोने को इस तरह से मिला देना है और डोरी को रखेंगे इसके बीच में इस तरह से, और यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें दूसरे में भी लगा लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने गले को कर दिया कंप्लीट। अगर ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके।